नमस्ते मेरे सहज सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सोया कबाब बना के दिखाऊंगी। ये एक वेज आइटम है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इवनिंग स्नैक्स में बहुत अच्छा लगता है और जल्दी से बन भी जाता है। घर में रहने वाला चीज से ही आसानी से बन जाता है। एक ठो सॉस पैन में थोड़ा सा पानी गरम करके उसके ऊपर वो सोया चंक 80 ग्राम दे के चूल्हा को बंद कर दिया। बंद करके ढक के रखे थे। तब तक ढक के रखना पड़ेगा जब तक ना सोया चंक ऐसा फूल जाए। इसके बाद इसको धो के ऐसा करके निचोड़ लेना चाहिए अंदर का सारा पानी। एक तो छालनी के ऊपर रख के देखिए कितना सारा पानी निचोड़ के निकाल लिया। एक तो तावा को चूल्हा पे बैठा के ढाई बड़ा चम्मच गरम फ्लावर यानी बेसन को थोड़ा सा हल्का फ्राई करके रखेंगे। एक तो मिक्सर ग्राइंडर में एक तो मीडियम साइज का प्याज, 6 से 7 टुकड़ा लहसुन, 1 इंच अदरक, 3 ठो हरा मिर्च, आप चाहे तो और भी ज़्यादा दे सकते हैं, और 1 बांच धनिया पत्ता को तोड़ के दे के एक तो पेस्ट बना के लाऊंगी। उसी पेस्ट में सोया चंक दे के पेस्ट बना के फिर भी और थोड़ा सा दे के ऐसा करके और एक बार इसको घुमा के लाएंगे। निकल लिया। आप चाहे तो अलग अलग करके भी, एक साथ नहीं देके अलग अलग करके भी दे सकते हैं। और ड्राई रोस्ट किए हुए 1 बड़ा चम्मच जीरा और धनिया पाउडर इसमें डाल दिया, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और वही बेसन को दे दिया। कश्मीरी मिर्चा 1 छोटा चम्मच, आप चाहे तो इसके साथ लाल मिर्च पाउडर भी दे सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। केवड़ा वाटर 1/2 छोटा चम्मच देंगे, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। और आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच दे के इसको अच्छे से मसल लेंगे। एक ठो सेसलिक के ऊपर ऐसा करके हाथों से प्रेस कर करके सिलिंड्रिकल शेप में इसको बना के रखूंगी। सोयाबीन का प्रोटीन हाई प्रोटीन होता है और सोयाबीन रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। थोड़ा हाथ को भिगो के फिर से ऐसा करके करेंगे। धीरे से निकाल लिया। आइसोफ्लेवोन होने के वजह से सोया प्रोटीन फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन को क्षरण करता है। चाहे तो आप ऐसा टिक्की के आकार में भी बना सकते हैं। इसमें स्वाद का इतना फर्क कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन सेसलिक के अंदर करने से देखने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चा लोग बहुत आनंद करके इसको खाते हैं। फिर से हाथ को धोके अगर आपको
घर में सैसलिक नहीं रहे तो ऐसा मतनी या चम्मच के पीछे से ऐसा करके भी आप ये बना सकते हैं। देखिए ना कितना अच्छा एक ट्रिक्स बता दिया। एक एक करके तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। पहले चूल्हा को चढ़ा के तेल को गरम करके मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में फ्राई नहीं करने से जल जाएगा और मीडियम फ्लेम में फ्राई करने से अंदर से अच्छे से फ्राई हो पाएगा। एक साइड हो जाने के बाद पलट लेंगे। उठा के एक किचन नैपकिन के ऊपर इसको उठाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। बच्चे लोगों को बाहर का काटलेट फ्राई ये सब देने से ये देना बहुत ही अच्छा होता है। ये एक प्रोटीन स्नैक्स है। आप इसे बना के खा के मेरे को जरूर बताइए कितना स्वादिष्ट लगा ये रेसिपी आप लोगों को। मैं आप लोगों को आभारी हूँ। आप सब ने बहुत ही प्यार से मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो और ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।